फिर से बताओ क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी चीजें आराम से रखता हूँ। फिर ये आपकी सिस्टर ऐसे क्यों कह रही है कि आप आराम से नहीं रखते, फेंक के रखते हो आप सब जगह? यू ऑल्सो स्टैंड हियर, कम हियर। हाँ जी, मम्मी जो है ना, मैं मम्मी नहीं कहती है कि ऐसे मत फेंको करो आप। मैम ये तो गलत हो गया ना, ये तो उसकी मिस्टेक है। हाँ देखो आपकी मिस्टेक है, फिर बताइए। मैम पहले तो ये अपने जूते संभाल के नहीं रखती है, तो फेंकती है, फिर उसके बाद कम रखती हूँ मैं। मम्मी आती है नीचे से लेके ही आने देती है। मैम जब मैं कपड़े बदलता हूँ तो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद कपड़े बदल के फिर स्कूल आता हूँ। नहीं तो आपकी मम्मा कह रही है कि आप अपने कपड़े सही जगह पे नहीं लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगाते हो? मैं पहले हमने दूध पिया, फिर उसके बाद चाय पी। स्कूल जाने के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब आप घर जाओगे उस तब की बात बता रही है मम्मी। अब आप घर जाओगे, आप अपने कपड़े उतारेंगे, फिर आप संभालेंगे नहीं अपने कपड़े? वो मना, वो कह रही है मम्मा मना कर रही है। मैम ये तो नीचे उतार देते हैं मैम, फिर मम्मी आती है सुबह उठते ही, मैम फिर मम्मी ऊपर लेके जाती है। बताओ वो तो। मैम जब कपड़े धोने का टाइम आता है ना, तो मैम मम्मी सबसे नीचे से लेके जाती है, मैम पैरों में भी दर्द हो जाता है। बताओ मम्मी के पैर में दर्द हो जाता है, आपको नहीं लगता कि मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है? मैम पहले जब मेरी मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है तो मैं दवाई लेके आता हूँ मम्मी की, फिर उसके बाद खा लेती है, फिर उसके बाद हाथ खिला के तू फिर खा ले। तो मम्मी ये भी कह रही थी कि आप पढ़ते भी नहीं हो, नहीं पढ़ते घर पे, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप? तो झूठ बोल रहे हो। मैम घर पे पढ़ते नहीं है, मैम खेल में ध्यान लगाता है, मैम सुबह होते ही हाँ। मैम फुप्पो से कहता है, मैम फुप्पो बता देती है। बताओ जरा क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? मैम पहले तो मैं वर्क करता हूँ, फिर उसके बाद सो जाता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल आता हूँ। फिर आप लेकिन घर में शरारत बहुत करते हो। नहीं मैम। कम है आप, स्टैंड है। हाँ जी, हैंड्स बैक, यस। अब बताइए आप कहना क्यों नहीं मानते घर जाके मम्मी का? मैं पहले तो मम्मी हमें मारती है, फिर उसके बाद जब मैं मारता हूँ हम तो उनसे अच्छे से बात करें। हाँ लेकिन फिर मम्मी मारती क्यों है आपको? मैं मम्मी इसलिए मारती है, घर पे जाता है ना तो मैम तब भी ऐसे कहता है नीचे, भी कहता है ऊपर जाके मम्मी खाना दे दो मेरे को भूख लग गया। बताओ आप बैग फेंक देते हो, अपने कपड़े फेंक देते हो और काम नहीं करते हो ढंग से, और फिर मम्मी से परेशान होगी, नानी की चली गई वहाँ पे, वो इससे भी छोटा भाई पैदा पाता है। और मैम जब मम्मी के पैर में दर्द होता है तो मम्मी ये कहती है मेरे पैर दबा दे, तो मैम दबा देंगे नीचे लगता है। बताओ अब आप बताओ, आप तो कह रहे हो मैं पैर दबाता हूँ, झूठ बोल रहे हो आप? नो मैम, हम तो पैर दबाते हैं लेकिन ये मोटी सी रोजी मारती रहे। क्या ये? हाँ ये मोटी है कोई? हाँ पतली है वो तो, पर अब मैं इसकी क्लास में आ गया हूँ। अच्छा तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पहले मैं पूछ रही हूँ आपको, मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बताओ? मैं बता सकता हूँ, मेरे चाचा ना मेरे लिए एरोप्लेन लाए थे, अब्दुल मनान के लिए कार लाए थे, रीता के लिए डॉल लाए थे, और हिफ्जा के लिए जूना। अच्छा आपको अच्छा बच्चा बनना है, गुड बॉय बनना है, ओके? मेरे पास तो एरोप्लेन है और अब्दुल मनान के पास कार घूमने वाली। अच्छा तो आप अच्छा बच्चा बनोगे कि नहीं? हाँ बनूंगा। मम्मा का कहना मानना है आपको? हाँ पर मेरे एरोप्लेन में सेल खत्म हो गए। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, ओके बाय।